गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं जेब सिंह स्वागत करता हूँ आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये हमारा टॉपिक है आज आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है इसमें आयोनिक रेडियस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आयोनिक रेडियस में हमें ये कन्फर्म करना है कि जो आयोनिक होता है इसका मीन्स क्या होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जो आयोनिक होता है, ठीक है, इनका मीन्स होता है आयंस, ठीक है। और रेडियस का मतलब होता है रेडियस, ठीक है, मतलब आयंस के रेडियाई, याद रखिएगा, ठीक है, आयंस के रेडियाई या आयंस के रेडियस, उसी हम क्या बोल देंगे, आयोनिक रेडियस। जैसे कि हमने क्या काम करा, एक एटम लिया Na और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, Na प्लस बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट इसने कर दिया। तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या बना है, ये बना है Na प्लस। तो ये जो Na प्लस हमारा बना है ये एक आयन है, ठीक है, ये क्या है हमारा आयन। और इस आयन की जो रेडियस होगी, ठीक है, Na प्लस की जो रेडियस होगी उसे ही हम क्या बोल देंगे, आयोनिक रेडियस, ठीक है, आयोनिक रेडियस, ठीक है। सीधी सी बात है, आयन की जितनी भी रेडियस होंगी उन्हें ही हम क्या बोल देंगे, आयोनिक रेडियस। इसकी डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे। इसे आप Cl से भी समझ सकते हैं, Cl प्लस वन इलेक्ट्रॉन एरो Cl माइनस, यहाँ Cl पे माइनस आ रहा है और Na पे क्या आ रहा था प्लस। तो याद रखिएगा, यहाँ जो आयोनिक रेडियस है वो इनकी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एटम से ज्यादा होगी। और यहाँ बात करेंगे तो जो आयोनिक रेडियाई होगी किसकी, Na प्लस की, वो Na से कैसी होगी, लेस देन, कम हो जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से, द डिस्टेंस बिटवीन, की जो डिस्टेंस होती है बीच की, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसका है, सेंटर है, ठीक है, किसका, ऑफ एन आयन, ठीक है, किसी एक आयन के जो बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है उससे, एंड द पॉइंट ऑफ अप टू विच द न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जो न्यूक्लियस चारों ओर से इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से घिरा हुआ है उसके बीच की दूरी जितनी भी होगी, डिस्टेंस जितनी भी होगी वही हमारी क्या होगी, आयनिक रेडियस। देखिएगा, इसका मतलब ये निकल के आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन की जो डिस्टेंस बीच की है, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस की जो सेंटर में है, न्यूक्लियस ऑफ एन आयन किसी एक आयन की, ठीक है, एंड द पॉइंट अप टू विच, और पॉइंट वहां तक का, द न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस, जहां तक न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस होता है, और इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अपने किससे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब मैंने आपसे कल भी बताया था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहां तक का ही, जो वहां जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे उसे ही हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस भी वहां की ही नापते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके बाद में हमने लिखा है, द लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की लिमिट है अराउंड न्यूक्लियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई सर्टेनली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो चक्कर है, जो उसका सर्कुलर चक्कर लगा रहा है उसके चारों ओर, उसे हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल एकदम सही सही, ठीक है। देयरफॉर द रेडियस ऑफ एन एटम, तो यहाँ पर जो रेडियस है किसकी, एक एटम की, इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, दो बार लिखा हुआ है, डिटरमाइंड बाय द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से इन एन आयनिक कंपाउंड, किसी एक आयनिक कंपाउंड के, बाय एक्सरे मेजरमेंट, ठीक है। अगर हमें किसी की आयनिक रेडियस निकालनी है तो इसे हम निकाल सकते हैं एक्सरे मेजरमेंट से, ठीक है, एक्सरे मेजरमेंट के द्वारा। अगर हिंदी में बात करेंगे तो मेजरमेंट का मतलब विवर्तन से होता है, ठीक है, एक्सरे मेजरमेंट से हम इसे नोन कर सकते हैं। द डिस्टेंस इज देन टेकन एज द सम ऑफ रेडियाई ऑफ द आयंस इनवॉल्व, अब ये जो हमारे पास में डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज टेकन, देन टेकन हम डिस्टेंस लेते हैं किसका, सम लेते हैं किसका, रेडियस का,
प्लस वाले का भी और माइनस वाले का भी। इफ वी नोन द रेडियस ऑफ वन आयन वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अदर। अगर हमें एक की रेडियस होगी पता होगी तो हम दूसरे वाले की आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें एक मिल गया है क्या NaCl, तो NaCl किस किस से मिलके बना हुआ है भाई, Na प्लस से और दूसरा Cl माइनस से, इनसे मिलके ये हमारा बना हुआ है। जब हमें पता चल जाएगा कि NaCl में Na और Cl के जो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है तो उसे हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, हमें किसकी नोन करनी है, Na की नोन करनी है, X लिख लेंगे, और Cl की सपोज कीजिएगा हमें Cl की भी पता है, ठीक है, दो की पता है तीन में से, इसे हम लिख देंगे B। तो प्यारे बच्चों X इक्वल टू किसके आ जाएगा, X इक्वल टू आ जाएगा A माइनस बी के। ठीक है, A माइनस बी के आ जाएगा। ठीक है, इसे हम आसानी से नोन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए डेफिनेशन इसकी क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद में भी हमने इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसे भी एक बार क्लियर करेंगे। द एटॉमिक चेंज इनटू आइदर बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो एटम होते हैं उनमें चेंज हो जाता है किससे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से या इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, बेटा इलेक्ट्रॉन को लेने से या फिर इलेक्ट्रॉन को देने से। ठीक है, ए कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द कोरस्पोंडिंग एटम्स। ये मैं भी आपको समझा रहा था कि जो एक कैटायन होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्मॉलर होता है किससे, अपने जो उसका फादर एटम है उससे, ठीक है, जिससे वो बना है। ठीक है, ऑलवेज स्मॉलर देन द कोरस्पोंडिंग एटम। फिर इसके बाद में है वेयर एज एनायन इज ऑलवेज बिगर देन द कोरस्पोंडिंग एटम, और यहीं पर हम ये भी बात भी कर रहे हैं कि जो एनायन होता है वो कैसा होता है, बिग होता है, बड़ा होता है देन द कोरस्पोंडिंग एटम, ठीक है, अपने एटम से। फिर यहां हमने इसमें लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कैटायन, और यहां हमने इसमें लिखा है रेडियस ऑफ एनायन। जब रेडियस ऑफ कैटायन इसमें लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, इसमें रेडियस ऑफ एनायन, तो हमने एक साइड में लिया हुआ है कैटायन और एक साइड में लिखा हुआ है एनायन, दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्टेंस को नाप लिया और बीच में से कैसा कर दिया हाफ। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एटम की, किसी भी सॉरी आयन की रेडियस निकाल सकते हैं, और वही हमारी क्या होगी, आयोनिक रेडियस, वही हमारी क्या होगी, आयोनिक रेडियस होगी। इसी टाइप से हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। मगर बेटा याद रखिएगा कैटायन में और एनायन में जो एनायन का साइज होता है वो कैसा होता है, बिग होता है, और बात करेंगे किसकी, कैटायन की, तो इसका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। अब हमने बीच में दिखा रखा है ये वाला, यहां से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस हमने इसमें क्रिएट करी है, ये वाली और ये वाली, ये हमारी क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस की डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो समझती बार में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पे लिंक भी है, मैंने पहली वीडियो में भी आपको इसका टेलीग्राम का लिंक दिया था, और ये जो दूसरे वाली वीडियो है इसमें भी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा। इस वीडियो के नीचे ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो पीडीएफ आप इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अधिक से शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद में पढ़ते हैं हम इसमें वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन ए ग्रुप। ठीक है, वेरिएशन पढ़ना है हमें किसका, आयनिक रेडियाई का पढ़ना है, कहा ग्रुप में। अब बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, यहां लिखा हुआ होना चाहिए था बेटा, गलत लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ रहना चाहिए था पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ये लिखा हुआ होना चाहिए था यहां। फिर ये कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है, एक होता है वेरिएशन इन ए ग्रुप और दूसरा होता है वेरिएशन इन ए पीरियड। एक वेरिएशन होता है ग्रुप में और दूसरा होता है पीरियड में। अब पहले वाला पढ़ लेंगे हम इसमें वेरिएशन इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में किस प्रकार से चेंज होती है, कौन एटॉमिक सॉरी आयनिक रेडियाई। चलिए, सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीज, अगर एटॉमिक साइज बढ़ जाता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप,
ठीक है, बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता ही बढ़ता है, यहाँ लिखा हुआ है सिंस द साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब हम किसी भी ग्रुप में नीचे की ओर चलते हैं तो जो एटम का साइज है या आयन का साइज है वो हमेशा बढ़ जाता है। देयरफॉर यहां पर आयनिक रेडियाई आल्सो इंक्रीज, और यहां पर जो आयनिक रेडियाई होती है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ठीक है, तो किसी एक ग्रुप में मूव करने पर, ऊपर से नीचे मूव करने पर क्या होगा, जो आयनिक रेडियाई है वो हमारी बढ़ जाएगी। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो आयनिक रेडियाई होती है किसकी, एल्कली मेटल्स की, मे बी रिप्रेजेंटेड एज, वो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में है भी यहाँ, तो ये हमने यहाँ एल्कली मेटल्स आयन लिखे हुए हैं, Li+ जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप होता है उसे हम बोल देते हैं एल्कली मेटल्स, और जो सेकेंड होता है उसे बोल देते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। तो यहाँ जो हमने लिए हुए हैं वे कौन कौन से लिए हुए हैं, वे लिए हुए हैं हमने एल्कली मेटल्स Li+, Na+, K+, Rb+, और एक हमने जो सबसे लास्ट में लिया है वो क्या लिया हुआ है, CS+। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हुए जा रहे हैं तो आयनिक रेडियाई की जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज होती हुई जा रही है। ठीक है, ऑन डाउन द ग्रुप द आयोनिक रेडियाई इंक्रीज। ठीक है, अगर ग्रुप में नीचे चले जा रहे हैं तो जो आयोनिक रेडियाई है वो कैसी हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसका दूसरा वेरिफिकेशन पढ़ लेते हैं। वेरिएशन, दूसरा वेरिएशन है हमारे पास में किसके लिए, पीरियड के लिए। जब हम किसी पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो जो आयनिक रेडियाई है, आयनिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलने पर इन ए पीरियड, किसी एक पीरियड में। दिस ट्रेंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बट द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एटम्स सेम एज पीरियड। ठीक है, जबकि सेल्स कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो आयनिक रेडियाई है वो कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ मीन्स अभी इसका मैं आपको समझा दूंगा, आपको बिल्कुल एकदम सही सही से क्लियर होकर समझ में आ जाएगा। एंड द एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए पीरियड, और जो एटॉमिक साइज है किसी भी सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने पर वो कैसे हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ कुछ उल्टा ही है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम Li से लेके B तक चलते हैं तो प्यारे बच्चों जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, जो एटॉमिक साइज है, या यहाँ बात करेंगे हम किसकी, आयनिक साइज की। ठीक है, एटम से या आयनिक से समझ सकते हैं। ठीक है, जो एटम का साइज है, जब भी हम Li से B तक चलेंगे, सॉरी इसे हटाइएगा, आयनिक ही लिखिएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही से कन्फर्म आपको हो जाना चाहिए, आयनिक ही लिखिएगा, आयनिक। ठीक है, साइज तो बेटा यहां से लेके यहां तक ही घटेगा, क्यों, Li पे आता है 1 प्लस, B पे आता है 2 प्लस, B पे आता है 3 प्लस। जबकि बात करेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हर किसी का सेम हो जाएगा, भाई पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, मगर बेटा बात करेंगे इस वाले की तो इस पर तुरंत ही 4 माइनस आ जाता है। जब इस पर 4 माइनस आ जाएगा तो 4 माइनस आने पर क्या होगा, जब इस पर 4 माइनस आ जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वे कितने हो जाएंगे, इस पे हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, चार पहले ही थे, सॉरी छह पहले थे, चार और आगे कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए कठिन होता है ऐसी स्थिति कि चार माइनस गेन कर ले, छोटा होता है नहीं ले सकता, मगर एक मिनट के लिए सपोज कीजिएगा ऐसी ही कंडीशन बनती है। ठीक है, फिर बात करेंगे एन की, इस पे माइनस 3 चार्ज आ जाता है, कितने थे पहले, 7 थे, 3 और आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। फिर यहां बात करेंगे तो यहाँ कितने हैं, इस पे माइनस 2 चार्ज आ जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले हैं, तब कितने हो जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 पहले थे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है पहले से। ठीक है, इस पे एक माइनस आता है, माइनस 1, और इस पे भी कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएंगे। प्यारे बच्चों कुछ इस टाइप से होता है, जब भी हम किसी एक पीरियड में चलते हैं तो पहले तो जो आयनिक रेडियाई है वो घटती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, आयनिक रेडियाई जो होती है वो कैसी होती है, डिक्रीज, और फिर अचानक से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर अचानक से कैसी होती है, इंक्रीज हो जाती है, और फिर हम बाद की बात करेंगे तो बाद में फिर दोबारा से वो डिक्रीज होती है। ठीक है,
और इसकी थ्योरी भी हमें कुछ बदल करके लिखनी पड़ेगी। किस टाइप से लिखेंगे हम? इसमें ऐसे लिखा जाएगा कि आयनिक रेडियाई, ठीक है थोड़ा सा बदल के लिखना पड़ेगा, द आयनिक रेडियाई फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट टू ग्रुप थर्ड, ठीक है आयनिक रेडियाई फ्रॉम फर्स्ट ए टू थर्ड ए विल डिक्रीज एंड देन इट विल इंक्रीज टू फोर्थ ए, और ये फोर्थ ए तक क्या हो जाती है, जो हमारे पास में फोर्थ ए है वहां पे ये कैसे हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर देन लगाएंगे और फिर लिखेंगे ग्रुप फिफ्थ ए टू सेवेंथ ए विल डिक्रीज। इस टाइप से हमें इसमें लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, और फिर कैसी हो रही है, डिक्रीज। अब बेटा डिक्रीज कहां से हुई? फर्स्ट ए से थर्ड ए तक। इंक्रीज कहां हुई? फोर्थ ए में हुई है। और फिर डिक्रीज कहां हुई है? फिफ्थ ए से सेवेंथ ए तक, ठीक है सेवेंथ ए तक कैसी हुई है ये डिक्रीज। तो ये वाली थ्योरी भी हम इसमें पुट कर देंगे, बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। तो अब है हमारे पास में फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियाई, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियाई या रेडियस। तो यहां होता है नंबर ऑफ सेल्स। अब जो आयोनिक रेडियस होता है, ठीक है जो आयोनिक रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ सेल्स पे। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो जो आयोनिक रेडियस है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है जो आयोनिक रेडियस है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितना है, वन, इसमें टू, इसमें थ्री, तो इसमें सबसे ज्यादा है आयोनिक रेडियस, ठीक है। एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, यदि किसी कारण किसी रीजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, तो इससे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सो द आयनिक रेडियाई इंक्रीज, और इससे आयनिक रेडियाई कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात करेंगे इसकी पॉइंट टू की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है किसमें, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स में, ठीक है सॉरी इसका ये दो नाम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ईएनसी इस नाम से भी लिखा हो पा जाता है इसे, या न्यू एएफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या होता है, यहाँ इस कंडीशन में जो आयोनिक रेडियाई होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, वन अपॉन ईएनसी पे, कौन, आयनिक रेडियस। कैसे, अगर ईएनसी बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई जो होगी या आयनिक रेडियस जो होगी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है डिक्रीज होगी, और अगर ये घटेगा ये डिक्रीज होगा तो फिर जो हमारी आयनिक रेडियाई थी वो कैसी हो जाएगी, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने यहाँ कुछ एटम लिए हुए हैं जिसमें हमने इनका एग्जाम्पल समझाया है, तो बेटा इनमें जो सबसे जो ज्यादा एटमिक रेडियाई होगी वो किसकी आ जाएगी, यहाँ पर कार्बन की आ जाएगी, फिर इसके बाद में नाइट्रोजन की, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन की, और फिर इसके बाद में फ्लोरीन की, तो सबसे कम फ्लोरीन की होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की होगी, ठीक है। इसी टाइप से ये हमारे आ जाएंगे जो भी अभी आपने ये देखे हैं। प्यारे बच्चे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नोट्स इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।